नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1.5 महीने से मेरे चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आ रहा था। हम कुछ फैमिली स्वास्थ्य के परेशानियों से जूझ रहे थे, जिस कारण से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे थे। आज से मेरे चैनल पर वीडियो आना शुरू होगा, क्योंकि परिवार के जो स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है, तब आपको हम अपने चैनल पर वीडियो देना चालू कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं नमोघाट फेज वन पर। पीछे आप देख सकते हैं नमोघाट का हाथ जोड़ता हुआ, सूर्य नमस्कार करता हुआ तीन हाथ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपको दिखाएंगे नमोघाट फेज टू का पूरा दृश्य। आपको पता है कि वाराणसी में लगभग 84 से अधिक घाट है, लेकिन जिस घाट के बारे में आपको हम बताने और दिखाने जा रहे हैं, ये घाट बाकी घाटों से अलग है। बाकी घाटों से बिल्कुल उम्दा घाट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको नमोघाट फेज टू का पूरा कार्य। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप देख सकते हैं नगर निगम वाराणसी के द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है, नाव का किराया दर आना जाना दो तरफा कितना लगेगा ये देख सकते हैं। अस्सी घाट से नमो घाट आने के लिए आपको ₹345 प्रति व्यक्ति, ऐसे ही हर एक घाट से आपको आने के लिए किराया दर है ये। दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं नमोघाट फेज वन का कार्य पूरा हुए लगभग 2 वर्ष हो गया है। उसी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नमोघाट फेज टू का निर्माण कार्य चल रहा है। ये देख सकते हैं नमोघाट फेज टू का यहाँ से निर्माण कार्य यहाँ से चालू हो गया। सामने है माँ गंगा, आपको माँ गंगा का भी आचमन करा दें, दर्शन करा दें, ये देख सकते हैं। सामने आपको प्रसिद्ध और प्राचीन राजघाट का ब्रिज है। दोस्तों, आपको बता दें नमोघाट फेज टू 50 करोड़ की लागत से ये दूसरे चरण का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर तमाम प्रकार की सुविधाएं आपको आकर्षण करने के लिए मिल जाएगी। आपको बता दें आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमोघाट, यानी जिसको पहले खिड़किया घाट के नाम से जानते थे हम सब, दूसरे चरण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसमें नमोघाट से आदि केशव घाट तक का पुनर्विकास का काम हो रहा है। गंगा में गंदगी न फेंकी जाए, इसके लिए फेज टू पर विसर्जन कुंड का निर्माण कार्य चल रहा है। ये देख सकते हैं अभी निर्माण कार्य कितना तेज़ी से चल रहा है, जेसीबी लगी हुई है। दोस्तों, ये देख सकते हैं, यही है विसर्जन कुंड। माँ गंगा में गंदगी न हो, जिसके लिए विसर्जन कुंड का निर्माण नमोघाट फेज टू पर किया गया है। ये देख सकते हैं, दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मल्टीपर्पज स्थल का भी निर्माण हो रहा है, जहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है, जहां पर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता है। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि यहां पर 75 फुट का नमस्ते स्कल्पचर फेज टू के लिए आकर्षण का केंद्र होगा, ये बनाना है। इस पर कभी पुष्टि नहीं हो पाई है। ये दूसरे चरण की लागत कार्य 50 करोड़ रुपए में ये भी शामिल किया जा सकता है। आज दिवाली का त्यौहार है, फिर भी कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ओपन एरिया है, लोग यहाँ आकर के माँ गंगा का आचमन नज़दीक से कर सकते हैं। काफ़ी स्पेस है, जिसकी लंबाई लगभग 800 मीटर के आसपास के दायरे में ये बनाया जा रहा है नमोघाट फेज टू। आप सामने देख सकते हैं पेड़ पौधे लगाए गए हैं, लाइटिंग व्यवस्था, और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दिव्यांगजनों के लिए भी काफ़ी सुविधा का यह स्थान है। देख सकते हैं यहाँ पर यह रैंप बनाया गया है, यहाँ से दिव्यांगजन बहुत आसानी से ऊपर जा सकते हैं, और आगे सीढ़ी का निर्माण किया गया है, जो सक्षम व्यक्ति है वहाँ जाएंगे। ये सामने देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है, ये फूड कोर्ट यहाँ बनाया जाएगा। फूड कोर्ट में भी आपको काफ़ी सुविधाएं, लैट्रिन, बाथरूम, खाद्य पदार्थ इत्यादि आपको बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा।
ये छोटा सा पार्किंग व्यवस्था, हरी भरी हरियाली के मद्देनजर ये पार्किंग व्यवस्था किया गया है। संभवतः ये ग्रीन घास पर कुर्सियां लगा करके लोगों को खाद्य पदार्थ परोसा जाएगा। अमूमन स्थान पर ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर हरियाली का खास इंतजाम किया गया है, देख सकते हैं ये चबूतरे बना करके बीच में ये स्थान छोड़ करके पेड़ लगाए गए हैं। हरियाली को खास ध्यान दिया गया है यहाँ पर। दोस्तों लगातार नमो घाट पर जो पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है उसको मद्देनज़र नमस्ते स्कल्पचर का आकर्षण यहाँ पर बनाया जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, जेटी, ओपन थिएटर जैसी अनेक सुविधाएं पर्यटकों के लिए दिया जाएगा। अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है, ये देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में भी नमो घाट को आकर्षण और पर्यटकों के अनुकूल बनाया जा रहा है। द्वितीय चरण का काम आदि केशव घाट तक हो रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 800 मीटर से अधिक होगी। ये सामने देख सकते हैं पर्यटकों के लिए ये सुविधाजनक स्थान बनाया जा रहा है। काफ़ी सुंदर पत्थरों के नक्काशी से बनाया जा रहा है ये गेट सुविधा, ये देख सकते हैं कितना सुंदर है। आपको बता दें जो इस गेट को बनाने वाले हैं, पत्थर को तराश करके एक सेफ देने वाले जो कारीगर हैं वो राजस्थान के कारीगर हैं। काफ़ी सुंदर कलाकृति इस पत्थर पर लगाया गया है। और यहाँ पर ये डमरू वाले ईंट बिछाए जाएंगे, जैसा ये निर्माण कार्य में देख सकते हैं ये चल रहा है अभी। इधर भी देख सकते हैं इस पर ढलाई का कार्य किया जाएगा अभी। ये देख सकते हैं ये ग्रीन एरिया है। अब हम आ गए हैं एक ऐसे स्थान पर जो आकर्षक का केंद्र है। यहाँ आपको बता दें यहाँ पर हेलीपैड बन रहा है, वो भी एक नहीं दो दो हेलीपैड, जहाँ पर आसानी से हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता है। अब पर्यटकों को यहाँ से हेलीपैड के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर ले जा करके दर्शन इत्यादि घूमने का कार्य कराया जाएगा। ये दोस्तों ये पहला हेलीपैड यहाँ बनेगा, इसमें ये देखिए ढलाई का कार्य अभी होगा आने वाले समय। ये देखिए उसकी गोलाई का ये छोटा सा दृश्य यहाँ देखिए, जहाँ पर हेलीपैड उतारा जाएगा। हेलीकॉप्टर को इस हेलीपैड पर उतारने का काम किया जाएगा। एक हेलीपैड बनेगा आगे जो आप दृश्य देख रहे हैं वहाँ पर। दोस्तों आपको जानकारी के रूप में कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं कि वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी वासुदेवन जी ने बताया कि नमो घाट के दूसरे चरण में निर्माण में 18 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा 630 वर्ग मीटर का लगभग 2.5 मीटर गहरा विसर्जन कुंड बनेगा, जिसमें लोग पूजन सामग्री, माला, फूल, मूर्ति विसर्जन इत्यादि कर सकेंगे। इसके साथ ही वॉकवे, योगा स्थल, वाटर स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कैफेटेरिया के अलावा अन्य सुविधाएं भी यहां पर आपको दी जाएगी एज ए पर्यटक। ये देख सकते हैं गंगा जी का किनारा, उसके नीचे भी आपको उतरने के लिए यहाँ से सुविधाएं मिल जाएंगी, ये देख सकते हैं।
बाढ़ की कटान से रोकने के लिए यहाँ पर उम्दा विधि का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही अच्छे विधि का इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हैं जालीदार तारों से पूरे पत्थर को बांध करके, ताकि बाढ़ आए तो इसका कटान ना हो पाए। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर मल्टी यूटिलिटी एरिया भी बनेगा, जहाँ पर चौपर भी उतर सकता है। यहाँ 75 फीट का नमस्ते स्कल्पचर ब्रांच लगेगा, जो फेज 1 में लगे हैं नमस्ते स्कल्पचर से काफ़ी ऊंचा होगा। घाट के किनारे हरियाली तथा तो मिट्टी के कटान न हो सके, इसके लिए पौधारोपण होगा। श्रद्धालुओं को आस्था में डुबकी लगाने के लिए अन्य घाटों की तरह पक्का घाट बनेगा, जहाँ पर सीढ़ियों के साथ ही रैंप भी बनाया जाएगा, जिसमें बाथिंग कुंड भी होगा। इससे वृद्ध और दिव्यांगजन भी गंगा स्नान बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। ये सुविधाएं सभी आगंतुक को, सभी पर्यटक को मिलने वाला है नमो घाट फेज 2 में। दोस्तों आपको बता दें, वर्तमान में जो नमस्ते आकार के 3 स्कल्पचर बनाए गए हैं, उनमें से 2 की ऊंचाई 25-25 फीट की है, जबकि एक थोड़ा कम ऊंचा है। जो चौथा स्कल्पचर बनेगा उसकी ऊंचाई करीब 75 फीट की होगी। जो स्कल्पचर बने हैं वो मोल्डेड एलॉय यानी मिश्रित धातु के बने हैं, जबकि प्रस्तावित चौथा स्कल्पचर कॉपर का बनाया जाएगा। काशी के घाटों पर पर्यटकों का हुजूम उमड़े और बेहतर सुविधाएं विकसित हो, इसके लिए पर्यटक विभाग, नगर निगम समेत अन्य कई विभागों ने सुविधाएं विकसित करने का खाका तैयार कर लिया है, जिसके लिए 35.38 करोड़ से करीब 11.5 एकड़ एरिया में पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित होने वाला है। ये है नमो घाट फेज 2 का पूरा विवरण। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।